कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है Vivo Y35। आज इस वीडियो में इस फोन का वाटर टेस्ट करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फोन वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं। उसके पहले कुछ टेस्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पीकर टेस्ट करते हैं। साउंड को यहाँ पे लाउड कर देते हैं। साउंड क्वालिटी जबरदस्त है, साउंड क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे कैमरा में कुछ पिक्चर वगैरह खींचते हैं। एक बैक कैमरा सैंपल और यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा सैंपल खींचेंगे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, कैमरा सैंपल जबरदस्त है, कैमरा में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे वाटर मार्क भी देख लीजिए Vivo Y35। तो ये Vivo Y35 ही है। चलो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फिंगरप्रिंट सेंसर मक्खन काम कर रहा है और बहुत फास्ट भी है। सेम उसी तरीके से फेस अनलॉक भी जबरदस्त है। हाँ, लॉक स्क्रीन आता तो है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी ओपन भी हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रॉलिंग वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए काफी स्मूथ है। डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। चार्जिंग टेस्ट वगैरह मैं आप लोगों को वाटर टेस्ट के बाद दिखाऊंगा। तो चलो फोन को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और इसके ऊपर हम लोग पानी गिराएंगे। बहुत रिस्क लेना पड़ता है दोस्तों, आप लोग घर में ट्राई मत करना वरना आपके फोन डैमेज हो सकता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके फोन पानी में गिर जाए या थोड़ा बहुत बारिश में भीग जाए आपके फोन टिकेगा कि नहीं, बस वो दिखाने के लिए मैं ये वाटर टेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग फुल कर भी घर में ए ट्राई मत कर, और ए वाटर टेस्ट करने में बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। तो अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दोगे ना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा वाटर टेस्ट के साथ। बबल्स वगैरह आ रहा है, मतलब फोन के अंदर पानी वगैरह जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 29 सेकंड हो चुका है और हम लोग फोन को पलट देंगे। और यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली पानी के अंदर कोई भी फोन काम नहीं करता है, कोई भी फोन का डिस्प्ले काम नहीं करता है, तो इस फोन का डिस्प्ले भी काम नहीं कर रहा है। अगर आपके पास ए फोन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके पास ए फोन है कि नहीं, और या आप लेने के लिए प्लानिंग बना रहे हो कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और लाइक दबा दो, सब्सक्राइब भी कर ले। चलो एक मिनट के बाद हम लोग पानी से फोन को बाहर निकालेंगे और अच्छी तरीके से ड्राई वगैरह करेंगे। हेडफोन जैक टेस्ट वगैरह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एक मिनट हो चुका है, तो चलो अच्छी तरीके से सबसे पहले सेक वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि पोर्ट्स के अंदर ना पानी वगैरह चला जाता है, तो उसके वजह से अच्छी तरीके से सबसे पहले ड्राई कर लेते हैं। तो ड्राई करने के बाद मैं आप लोगों को सब कुछ टेस्ट करके बताऊंगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को बताना है, अगर आप लोग पानी में गिर जाता है आपके फोन ना, तो सबसे पहले 24 आवर्स के लिए स्विच ऑफ करके रख दो। मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, तो इसीलिए मैं अभी तक स्विच ऑफ नहीं किया हूं। तो थोड़ा बहुत सेक वगैरह कर लेना है, क्योंकि ये जो पोर्ट्स है इसके अंदर पानी वगैरह चला जाता है। तो चलो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। डिस्प्ले अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्ले में स्मूथ काम कर रहा है, डिस्प्ले में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर ट्राई करते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मक्खन यहाँ पे काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फेस अनलॉक थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। फेस अनलॉक भी जबरदस्त काम कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए लॉक स्क्रीन आ रहा है लेकिन जबरदस्त काम कर रहा है। साउंड टेस्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए रैम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, फिर भी हम लोग यहाँ पे गाना को प्ले करते रहेंगे। दोनों का 750 पर हेड और मेरा 500। तेरा इतना कम कैसे? मुझे पता था। साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, साउंड क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्पीकर डैमेज नहीं हुआ है। अभी हम लोग कैमरा टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैमरा में कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं। यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा सैंपल खींचेंगे और यहाँ पे और एक बैक कैमरा सैंपल खींचेंगे। अगर मैं आप लोगों को कैमरा सैंपल दिखाऊं, ये वाटर टेस्ट के बाद कैमरा सैंपल है और ये वाटर टेस्ट के पहले कैमरा सैंपल है। ये सेल्फी दो कैमरा सैंपल देख लीजिए, एक वाटर टेस्ट के बाद एक वाटर टेस्ट के पहले। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले भी काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अभी हम लोगों को यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट करवाना है, तो चलो यहाँ पे चार्ज में लगाते हैं और देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए चार्ज हो रहा है, तो चार्जिंग में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इस फोन में हेडफोन जैक दिया है, तो हम लोग यहाँ पे हेडफोन जैक भी ट्राई करके देखेंगे हेडफोन में ठीक ठाक आवाज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे गाना को प्ले करते हैं और ये जो साउंड लोग लाउड कर देते हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हेडफोन में भी आवाज आ रहा है, हेडफोन जैक में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वाटर टेस्ट में ये फोन सरवाइव कर गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।